अभी तो हमारा प्रीमियर है तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ. वी कांट वेट एज अ टीम टू शो इट टू पीपल. जो मेहनत हमने की है वो फाइनली पहली बार आज स्क्रीन पे आएगी. तो एक्साइटेड है, सब लोग एक्साइटेड है. नर्वस तो नहीं कह सकते बट वी जस्ट होप के एवरीथिंग गोज फाइन एंड एवरीवन एंजॉयज द फिल्म. तो रिएक्शंस तो फिल्म के बाद पता चलेंगे बट फिंगर्स आर क्रॉस्ड, लेट्स सी. अच्छा, फिल्म का प्रीमियर है, बॉलीवुड से बंगाल से लोग आ रहे हैं, उनके बारे में Can you ask me again? बॉलीवुड से कौन कौन आ रहा है, कौन से सेलिब्रिटी? जी, हमने काफ़ी कास्टिंग डायरेक्टर्स को इनवाइट किया है. अ फ्यू डायरेक्टर्स, अ फ्यू प्रोड्यूसर्स विशेष फिल्म से काफ़ी आ रहे हैं क्योंकि मैंने और तारा अली शाह ने विशेष फिल्म के साथ फिल्म्स की है. तो उनके यहाँ से दो तीन डायरेक्टर आ रहे हैं हुम वी वर्क विथ. देर आर लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस हु आर बडिंग न्यू, दे आर ऑल्सो कमिंग एंड हमारे फ्रेंड्स और फैमिली भी है. तो लेट्स सी. फिल्म की कहानी की बात की जाए तो कहानी किस तरीके और आपका रोल क्या है? जी, ये एक इट्स अबाउट अ बॉय एंड अ गर्ल हु एक्सीडेंटली मीट ऑन अ बस स्टॉप इन गोवा. लड़का थोड़ा हार्मलेस किस्म का फ्लर्ट होता है तो वो बात करना शुरू करता है और लड़की उसे मतलब कोई भी भाव नहीं देती. सो ही जस्ट रिक्वेस्ट हर के यार मुझे 10 मिनट दे दो एंड देन सी टेक अ कॉल इफ़ यू वॉन्ट हैंग आउट विथ मी. तो शी गिव्स हिम अ शॉट एंड दोनों बातें करने लगते हैं और वो एक घंटा जो हमने रियल टाइम में दिखाया है फिल्म में, जो एग्जैक्टली हो रहा है वो एग्जैक्टली स्क्रीन पे दिखेगा. वो एक घंटे में दे रियलाइज दैट दे आर परफेक्ट फॉर ईच अदर. पर वो जो उम्र होती है टीनेज की, उसमें यू नो सबके गोल्स होते हैं, एम्बिशंस होते हैं, पेरेंटल प्रेशर्स होते हैं, बिकॉज ऑफ विच दे हैव टू सेपरेट. एंड सडनली 14 साल बाद वो एक क्राउड में एक दोनों को ऐसे क्रॉस करते हैं एंड द गाय थिंक्स दैट मैंने इसको कहीं देखा है. और सडनली बाय द टाइम ही टर्न्स बैक ही फील्स, आई मीन द गर्ल हैज डिसअपीयर्ड इन द क्राउड. तो ये फिल्म एक्चुअली इसके बारे में है कि क्या लाइफ आपके फर्स्ट लव को सेकेंड चांस दे सकती है कि नहीं दे सकती. तो इसके बारे में एक लाइट हार्टेड रोमांटिक फिल्म है, थोड़ी ट्रेजेडी भी है बट आप रिलेट करेंगे कैरेक्टर्स से. फिल्म का टाइटल है परफेक्ट गर्ल, तो एक परफेक्ट गर्ल में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आपके हिसाब से? जी, ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सबका अलग अलग होता है. बट आई वुड लाइक आइडियली समवन हु आई कैन टॉक एनीथिंग अंडर द सन. जो एक जिनमें कोई थोड़ी नाइसनेस हो, यू नो, टू थोड़ी फैमिली ओरिएंटेड एंड स्टफ, एट द सेम टाइम अ वर्किंग पर्सन, यू नो, हैप्पी टू वर्क एंड स्टफ. तो हाँ, समवॉट लाइक दैट. इसके अलावा कमिंग प्रोजेक्ट है आपका जो आप? जी, ये फिलहाल तो मैं जूम होस्ट करता हूँ आपकी तरह. बॉलीवुड टॉक शो है प्लैनेट बॉलीवुड करके, उस वो मैं काफ़ी दो तीन महीने हो गए वो चलेगा. बट ये फिल्म का मैं एक्चुअली रिस्पांस देखना चाहता हूँ. एक दो ऑफर ऐसे मतलब वर्बली आई है बट मेन सब दारोमदार ये फिल्म पे है, ये फिल्म पे है मेरे लिए, डायरेक्टर के लिए. तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. थैंक यू सो मच. जस्ट सेकंड. हर इंसान को एक चाहत होती है कि उसकी परफेक्ट गर्ल या परफेक्ट बॉय रहे. तो ये फिल्म ऐसी है जहाँ पे आपको वो एक ऐसा याद दिलाता है जो आपकी एक थॉट है, एक चीज़ है कि आपको यानी एक परफेक्ट गर्ल मिलनी चाहिए, तो उसके बारे में है. और एक रोमांटिक फिल्म है, प्यारी सी फिल्म है जहाँ पर आप फिल्म देखोगे एक मुस्कुराहट के साथ वापस चले जाएंगे. अच्छा, परफेक्ट गर्ल बेसिकली एक कॉन्सेप्ट कि परफेक्ट गर्ल कब होता है, जब आप किसी से इतनी प्यार कर रहे हो. कोई परफेक्ट होता नहीं, ठीक है. तो जब आप इसे इतना प्यार करते हो कि आपको वो इम्परफेक्शन जो है वो नहीं दिखती है, वो आपकी परफेक्ट गर्ल है. तो इतना प्यार करो उनसे कि वो आपकी परफेक्ट गर्ल हो जाए. ये मतलब मेरी कॉन्सेप्ट है. और स्टारकास्ट कैसे फाइनलाइज किए थे? थॉट प्रोसेस तो ये था, जब ऑडिशन कर रहे थे ये था कि जो कैरेक्टर जो हमने लिखे थे उसके बराबर जैसे दिखे वही था. तो ऑडिशन किया था, ये नहीं देखा था कि इन्होंने पहले कुछ किया है या नहीं, ये कुछ देखा नहीं था. बस जो कैरेक्टर में बैठ गया हम उन्हें सिलेक्ट कर लिया और फिर बाद में आगे जब बात चली उनको भी पसंद आई. तो दोनों तरफ से था, यानी एक्टर की तरफ और एक्ट्रेस की तरफ, दोनों को पसंद आई तब लेके आगे चले. और ऑडियंस से क्या कहना चाहिए?
बस ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि बहुत प्यारी फिल्म बनाई है, बहुत छोटी सी यूनिट से हमने बनाई है, बस आप आके देखिए फिल्म, एंजॉय कीजिए, और आपको यही लगता है कि हम इतना चाहते हैं कि आप मुस्कुराहट के साथ वापस जाइए सिनेमा घर, सिनेमा घर। भाई हम तो यही कहना चाहेंगे कि अच्छी फिल्म है एंड पीपल शुड एंजॉय नाउ, फ्राइडे इज कमिंग। आई विश लक टू ऑल द पीपल, ऑल द टीम, दे हैव पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। नाउ रेस्ट अश्योर, आई सपोज द ऑडियंस इज गोइंग टू लाइक इट। नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ ताशा को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, पूरी टीम। मैं ताशा को जानती हूँ जब से वो छोटी थी। I'm very excited. This is a movie, a really good movie to be released this Friday. Simple, sweet love story, yeah, right? Yeah. And all the best for Tashu. I'm sure the movie is going to do really well. Thank you. Thank you. मेरा तो पहला co-actor है तिशे, so I am very happy that he's doing this. We've been waiting for this for a while. एंड मैं बहुत खुश हूँ कि वो कर रहा है, एंड आई होप रियल लाइफ में भी उसे परफेक्ट गर्ल मिल जाए, बिकॉज अभी तक मिल नहीं पा रही है। सो आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक टू हिम, एंड आई नो इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। सो लाइक हिम, टीशा इज ऑल्सो माई फर्स्ट को एक्टर, एंड इन फैक्ट यू टू प्ले माई लव इंटरेस्ट इन द शो ग्रैंड, एंड सो या आई एम वेरी 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 एक्साइटेड दैट दिस फिल्म इज रिलीजिंग, एंड आई कुडंट वेट दिस डे। मैं आज स्पेशली कश्मीर से भाग भाग के आई हूँ, क्योंकि यू नो आई वांटेड टू स्टे इन कश्मीर, बट ही सेड कि नहीं आज आना ही है, सो मैं कैसे भी करके आई हूँ, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग इट एंड विशिंग इट ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फिल्म। मेरा फर्स्ट को एक्टर नहीं है फॉर श्योर, बट बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक स्मॉल स्क्रीन पर मेरे साथ ही मैं देखते आई थी, अभी मुझे पहला अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसको बिग स्क्रीन पे देखने के लिए, सो बहुत खुशी है। और वी थ्री ऑफ अस एंड ऑलमोस्ट एवरीवन इन आवर टीम विश हिम वेरी बेस्ट ऑफ लक, एंड आई होप दिस फिल्म डज वेल। And he's actually the first one of us to actually do a feature film. And we're very happy for him. And we're very excited. And then we wish him all the best. Thank you so much.